आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सफेद सूट और टाई, आंखों में काला चश्मा, स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा, जिसका सत्संग लील गया सैकड़ों जाने, जिसके पांव की मिट्टी के लिए मच गई भगदड़, आखिर कौन है साकार हरि बाबा। हाथरस सत्संग में मची भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा 125 से ऊपर पहुंच गया है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, मगर बाबा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस खौफनाक घटना के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये बाबा हैं कौन, जिनके पैरों की मिट्टी उठाने के चक्कर में भक्तों के बीच होड़ मच गई और हालात भगदड़ में तब्दील हो गए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं समेत 115 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा पुलिस की नौकरी कर चुके हैं। वो कासगंज के पटियाली गांव के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस में 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 1990 में वीआरएस ले लिया। बकौल बाबा, वीआरएस के बाद उन्हें भगवान से साक्षात्कार हुआ। इसके बाद उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ। वो समागम करने लगे और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई और देखते ही देखते उनके फॉलोअर लाखों से करोड़ों में पहुंच गए। भोले बाबा धार्मिक बाबाओं की तरह गेरवा वस्त्र या कोई अलग पोशाक में नज़र नहीं आते हैं। वो अक्सर सफ़ेद सूट, टाई और जूते पहनते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके समागम या सत्संग से जो भी दान, दक्षिणा, चढ़ावा आता है, वो उसे अपने पास नहीं रखते, उसे भक्तों के लिए खर्च कर दिया जाता है। मगर आज कई अहम सवाल खड़े हुए हैं। आखिर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से क्या भगवान का दर्जा दिया जा सकता है? क्या उसके पांव की मिट्टी इतनी पवित्र हो चुकी है कि उसे सर पर रखने के लिए लोगों के बीच होड़ मच जाए? आखिर ऐसी भक्ति का क्या फायदा जो लोगों का जीवन ही समाप्त कर दे? ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।